गाइस नमस्कार, मैं शिवांश यादव, आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब में हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे, महाद्वीप के हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप से जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, महाद्वीप से जुड़ी सारी जानकारी इसमें आप लोगों को मिलेगी। हमारे विश्व में संसार में कितने महाद्वीप हैं, किस महाद्वीप पर कितने देश हैं और कौन सा महाद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है गाइज वो है महाद्वीप। महाद्वीप, अगर महाद्वीप का जो हम महाद्वीप को अगर हम सरल भाषा में डिफाइन करें दोस्तों, तो महाद्वीप का जो अर्थ होता है वो महाद्वीप का समुद्र की सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े, इसलिए भूभाग को जो है महाद्वीप कहेंगे दोस्तों। क्या? समुद्र की सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े, इसलिए भूभाग को जो है महाद्वीप कहेंगे दोस्तों। हमारे विश्व में संसार में जो 7 महाद्वीप होते हैं, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी पर 29% जीवन यापन है और 71% जो है हमारी पृथ्वी पर पानी है। जी हाँ दोस्तों, 71% हमारी पृथ्वी जलमग्न है और 29% पर जीवन है दोस्तों। हमारे 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और ओशनिया महाद्वीप, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। आइए इन पर चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का, संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है दोस्तों। विश्व का, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस पर विश्व का, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, इस पर 48 देश आते हैं। जी हाँ, इस पर 48 देश आते हैं और ये जो है सभ्यता का पालन करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? सभ्यता का पालन करने के लिए प्रसिद्ध है। इसी महाद्वीप को जो है सभ्यता का पालन करने वाला महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सभ्यता का पालन करने वाला महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, विश्व का, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इस पर 48 देश आते हैं और इसको सभ्यता का पालन करने वाला महाद्वीप कहा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो हमारा होगा वो होगा अफ्रीका। अफ्रीका पर 50 देश आते हैं, अफ्रीका पर 50 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसको दोस्तों काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को ही काला महाद्वीप कहा जाता है और उसको मानव जाति का पालन करने वाला महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। इसको मानव जाति का पालन करने वाला महाद्वीप कहा जाता है। सबसे पहले मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप पर ही हुई थी दोस्तों। सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप पर ही हुई थी दोस्तों। इसको हम काला महाद्वीप भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम काला महाद्वीप कहते हैं और इसको मनुष्य, मानव जाति का पालन करने वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। जी हाँ,
हाँ दोस्तों, मानव जाति का पालन करने वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इस पर 48 देश आते हैं, सभ्यता का पालन करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप, इस पर 50 देश आते हैं, इसको काला महाद्वीप और मानव जाति का पालन करने वाला महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अगला जो हमारा होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इस पर दोस्तों 50, इस पर 23 देश आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर 23 देश आते हैं, इस पर जो है 23 देश आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और नॉर्थ अमेरिका में एक भी ऐसा देश नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके किनारे समुद्र ना हो दोस्तों। क्या? जिसके किनारे समुद्र ना हो, एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके किनारे समुद्र ना हो दोस्तों। हाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, इस पर 23 देश आते हैं, इसमें एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके किनारे समुद्र ना हो दोस्तों। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इस पर जो है दोस्तों हमारे 12 देश आते हैं। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका में हमारे 12 देश आते हैं, और इसको हम सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं, और इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसको हम सांपों का महाद्वीप कहते हैं और पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला जो हमारा था वो साउथ अमेरिका, इस पर 12 देश आते हैं, इसको हम सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर जो है हमारे दोस्तों एक भी देश नहीं आते हैं, अंटार्कटिका पर एक भी देश नहीं आते हैं। क्यों एक भी देश नहीं आते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो हमारा बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। इसको दोस्तों हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप। और इसको जो है हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों, मूविंग कॉन्टिनेंट। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप भी कहते हैं, और इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा यूरोप, यूरोप पर गाइस हमारे 50 देश आते हैं, यूरोप पर हमारे जो है 50 देश आते हैं। और यूरोप में है जो दोस्तों एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है, यूरोप में क्या एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, क्या यहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। पर जो है दोस्तों ठंड ही पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप महाद्वीप पर हमारे 50 देश आते हैं, इस
इसमें एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा ओशेनिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ओशेनिया महाद्वीप, इस पर चार देश आते हैं दोस्तों हमारे। सबसे छोटा महाद्वीप ओशेनिया महाद्वीप, इस पर चार देश आते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और इसी को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं लोग। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चार जो आइसलैंड है वो है माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे बड़ा है दोस्तों, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं दोस्तों। अगले जो हम आठवें महाद्वीप की अगर बात करें तो आठवां महाद्वीप हमारा जो है वो जिलैंडिया महाद्वीप है। आठवां महाद्वीप क्या है हमारा? जिलैंडिया महाद्वीप है। जिलैंडिया महाद्वीप जो है वो हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर में दोस्तों डूबा हुआ है। किसमें? दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। और यह कभी जो है वो विशाल गोंडवाना महाद्वीप का जो है हिस्सा हुआ करता था, जो कि 75 करोड़ वर्ष पूर्व, 75 करोड़ वर्ष पूर्व उससे अलग हो गया था दोस्तों। और यह जो है अभी पानी में डूबा हुआ है दोस्तों, तो इसी कारण इसको महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ा। हमारे विश्व में, संसार में 7 महाद्वीप हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, इस पर 48 देश आते हैं। इसको सभ्यता का पालन करने वाला महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप पर हमारे 50 देश आते हैं। काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। मानव जाति का पालन करने वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को। मानव की सबसे पहले उत्पत्ति किस महाद्वीप पर हुई? अफ्रीका महाद्वीप पर। नॉर्थ अमेरिका में हमारे 23 देश आते हैं। इसमें एक भी ऐसा देश नहीं है दोस्तों जिसके किनारे समुद्र ना हो। क्या ना हो? समुद्र ना हो। साउथ अमेरिका में हमारे 12 देश आते हैं। इसको दोस्तों हम काले महाद्वीप काल साउथ अमेरिका में दोस्तों हमारे 12 देश आते हैं। और इसको सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर एक भी देश नहीं है। क्यों एक भी देश नहीं है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है हमारा वो बर्फ से ढका हुआ है। इस पर दोस्तों जो एक भी मरुस्थल या अंटार्कटिका महाद्वीप को ही दोस्तों हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्या? सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। और इसको इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। यूरोप पर हमारे 50 देश आते हैं। यूरोप पर हमारे 50 देश आते हैं। यूरोप में जो दोस्तों एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है। क्या? यूरोप में जो है एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है हमेशा ठंड ही पड़ती रहती है। और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा ओशेनिया। विश्व का, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ओशेनिया महाद्वीप। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। थैंक यू।